हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका एक कमेंट आया था वो पिक करने वाला हूँ, जिसमें लिखा हुआ था, जो ये कमेंट है ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स 3286 के नाम से, इनका मुझे प्रॉपर नाम तो नहीं मालूम है, जो इनका आईडी नेम है वो बता रहा हूँ। ये लिखते हैं कि भैया प्लीज़ बताना, एनबीएस की जो नॉन टीचिंग की पोस्ट निकली हुई है, इसमें मेडिकल होता है, और अगर मेडिकल होता है तो कैसे हुआ, प्लीज़ एक वीडियो लेकर आए इसके, ये उन्होंने पूछा था। तो इसका इस वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूँ कि एनबीएस में अगर आप फॉर्म भरते हैं किसी भी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, तो मेडिकल होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो किस प्रकार से वो मेडिकल होता है। तो इसी वीडियो मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ, बट उससे पहले चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, और ढेर सारी वीडियो एनबीएस से रिलेटेड बना चुका हूँ, नहीं देखिए जाके चेकआउट कर लेना, चैनल पर मिल जाएगी। मैं एज एक एनबीएस जैसे वर्क कर चुका हूँ, तो आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। चलिए, तो इसका डाउट क्लियर कर देते कि एनबीएस में मेडिकल टेस्ट होता है या नहीं था। सबसे पहले देखिए, आपके लिए बता दूँ कि एनबीएस में कितनी पोस्ट निकली हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों कुल 13 प्रकार की पोस्ट निकली हुई है, जिसमें आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है स्टाफ नर्सेस है, ठीक है। इसमें सबसे पहले फीमेल स्टाफ नर्स होगी, इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, इसके अलावा स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, ठीक है। जेएसए हो गया आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टी टास्किंग। तो जितनी भी 13 प्रकार की जो पोस्ट हैं आपकी, उनमें से किसी के लिए भी कोई भी प्रॉपर मेडिकल यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि एनबीएस के थ्रू लिया जाता है जो मेडिकल, वो किसी भी पोस्ट के लिए नहीं लिया जाता है, किसी भी प्रकार का आपका मेडिकल नहीं होता है। बट आपका एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, वो किस तरीके से मांगा जाता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ पर शो हो रहा हुआ, इसे बोलते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आपको कब मिलता है, ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, जो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको कब मिलता है। तो ये जो सर्टिफिकेट है आपको तब मिलता है जब आप एनबीएस में सेलेक्ट हो जाते हैं, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। उस ज्वाइनिंग लेटर में एक आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है 4 पन्ने का, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर और आपका एड्रेस होता है, साथ ही साथ आपको कहाँ पर पोस्टिंग मिली है वो एड्रेस होता है, साथ ही साथ उसमें अदर डिटेल्स होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। एक तो ये होता है, एक फॉर्म अलग से आता है जो कि होता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, उसमें 10 से 12 फॉर्म होते हैं जो कि आपको फिल करने होते हैं, उसी में से एक फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपका एक मेडिकल होता है जो कि एनबीएस नहीं लेती है, ठीक है। इस मेडिकल सर्टिफिकेट को आपको खुद ही बनवा के लेके जाना पड़ता है सिविल सर्जन के द्वारा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका स्टेट है, वहाँ पर आपके आसपास जिले में है ना, या आपके आसपास के जिले में सिविल सर्जन होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठते हैं, वहाँ से जाके आपको एक बोर्ड बैठता है सिविल सर्जन का, या नॉर्मल सिविल सर्जन से चल जाएगा, बट बोर्ड वाला जो है ज़्यादा वैलिड होता है। तो वहाँ बोर्ड होता है, वहाँ पर आपको बोलना होता है कि सर मेरा ऐसा ऐसा मेडिकल है, तो वहाँ पर 3-4 लोग बैठते हैं मेडिकल, वो आपके चेकअप करते हैं, जैसे कि आपकी हाइट मेजरमेंट करेंगे, ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी, ठीक है, नॉर्मल टेस्ट, आइस टेस्ट है ना, आइस सही है नहीं है, नॉर्मल टेस्ट होगा, और भी एक दो चीज़ें, सांस चल रही है नहीं चल रही, मतलब नॉर्मल सा मेडिकल होता है कुल मिला के, है ना। जिसमें कि यहाँ पर देखिए, वो आपका नाम भरते हैं, ठीक है, आपकी कास्ट भरते हैं, रेजिडेंस आपका भरते हैं, फादर्स का नेम भरते हैं, डेट ऑफ बर्थ भरते हैं, एग्जैक्ट हाइट भरते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो मार्क्स होता है वो भरते हैं, कैंडिडेट के सिग्नेचर लिए जाते हैं, इसके अलावा आप किस नवोदय विद्यालय में काम कर रहे हैं, आप किसके वहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट हुई, ये होता है, लेफ्ट हैंड के थंब इंप्रेशन लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन लिए जाते हैं, इसके अलावा सिग्नेचर कैंडिडेट का होता है, टेकन बिफोर किसके सामने लिया गया, उस जो मेडिकल ऑफिसर है उसके साइन होते हैं, नेम ऑफ द ऑफिसर होता है, डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर होता है, दिस ऑफिसर शुड बी अ सिविल सर्जन और मेडिकल ऑफिसर और इक्वल रैंक, ठीक है, इस रैंक का होना चाहिए, और वहां पर उसकी सील, सिक्का, साइन, डेट मेंशन होती है। तो एक ये जो आपका है सर्टिफिकेट होता है, इसके ऊपर एक और होता है अटेस्टेशन फॉर्म के नीचे, उसमें भी आपको केवल साइन होते हैं, वहाँ पर ये मेन होता है, ये आपको भरवा के लेके जाना होता है सिविल सर्जन के द्वारा, ओके, या मेडिकल ऑफिसर है उसके बराबर रैंक का कोई भी अधिकारी हो। तो इस तरीके का इसमें मेडिकल होता है, इसमें कोई भी प्रॉपर ऐसा हार्ड एंड फास्ट मेडिकल नहीं होता, सिंपली मैं आपका जब ज्वाइनिंग होगी तो आपको एक नॉर्मल सा मेडिकल टेस्ट करा के ले जाना होता है, ठीक है। और दोस्तों, एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अभी टेस्ट बुक पर 31 मार्च आज लास्ट डेट है, रात के 12 बजे तक ये ऑफर चल रहा है, फिर ये ऑफर नहीं आएगा, प्राइस हाई चली जाएगी, अभी 699 है, उससे भी ऊपर ये प्राइस जाने वाली है, आज लास्ट डे है, आईपीएल की सेल चल रही है, तो अभी परचेस कर लीजिए। ये देखिए, ये ऑफर चल रहा है जिसमें मात्र आपको 219 रुपये कुछ में आपको टेस्ट बुक का पास प्रो, ध्यान रखना पास प्रो आपको परचेस करना है, कूपन कोड डालना है V1NW47 जो कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, इसमें आपके एनबीएस के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं या ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो सारे आपके अंदर कवर होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनबीएस के, जेएसए, कैटरिंग असिस्टेंट, एमटीएस, मेंस, सभी आपको मिलेंगे, लास्ट डे ऑफर है, जाइए जल्दी लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो आपको मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है, उससे आपको पता चलेगा आप कितने कितना आपने पढ़ा है, कितनी गलतियां हो रही हैं आपके, और क्या क्या आपको पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट इसमें हेल्प करते हैं, ओके, तो जाइए परचेस कर लिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड ये आपके सामने, ठीक है। चलिए, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा,
नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आ जाऊंगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, और ढेर सारी आपकी वीडियोस बना चुका हूं इस रिलेटेड, वो देख लेना। सेकंड चैनल है द एग्जाम हेल्पर जी के, वहां पर भी स्टडी से रिलेटेड अभी एक साइड में वीडियो लेके आने वाला हूं, तो उसको जरूर देख लेना, है ना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।